हाय, कैसे हैं आप लोग सब? आशा करती हूँ कि आप लोग सब हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की जो कहानी मैं आपके लिए लेके आई हूँ उसका नाम है मिल्कमेड एंड द पेल। एक बार एक मिल्कमेड थी, रोज अपने सिर पर दूध रखकर और बेचने जाती। जब वो बेचने जाती तो रास्ते भर सोचती सोचती जाती कि आज के जो पैसे मिलेंगे उससे मैं क्या चीज खरीदूंगी। कभी उसे केक याद आती और जब पैसे मिलते तो केक खरीद कर घर ले जाती। कभी उसे स्ट्रॉबेरीज याद आती, मीठी मीठी खट्टी खट्टी स्ट्रॉबेरीज। तो उस दिन वो स्ट्रॉबेरीज खरीदती और स्ट्रॉबेरीज अपने घर ले जाती और फिर मजे लेके स्ट्रॉबेरीज खाती। अब ऐसे ही एक दिन वो दूध अपने सिर पर रखकर और सोचती सोचती चली जा रही थी। जब वो थोड़ी आगे गई तो उसे एक हेन दिखी। हेन को देखकर उसने सोचा, हाहा, आज तो मैं बहुत सारा दूध लाई हूं, आज मैं जो पैसे मिलेंगे उससे एक हेन खरीद लेती हूं। हेन जब होगी तो वो एग्स देगी, एग्स में से दूसरे बेबीज निकलेंगे, धीरे धीरे वो बेबीज बड़े हो जाएंगे, उनके जो अंडे होंगे वो बेचूंगी, तो मैं दूध भी बेचूंगी और हेन के अंडे भी बेचूंगी और फिर उन पैसों से मैं सुंदर सुंदर ड्रेसेस लेऊंगी और पार्टी में जाऊंगी। वहां पार्टी में जाकर खूब डांस करूंगी, खूब डांस करूंगी, ऐसा डांस करूंगी कि सारे मुझे जलन के मारे देखते रह जाएं। लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया कि अपने सपनों में वो इतनी खो गई थी कि डांस करने में सारा दूध छलक छलक कर उसी के ऊपर गिर गया। सडनली जब वो गीली होने लगी तो उसका ध्यान गया, अरे ये मैंने क्या कर दिया, सारा दूध गिरा दिया, अब तो मुझे कोई भी एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं मिलेंगे और मैं हेन भी नहीं खरीद सकती, चलो घर ही चलती हूं। जब घर गई तो उसकी मम्मा पूछने लगी, ये तुझे क्या हो गया, ऐसी हालत कैसे हो गई? तो कहने लगी, मम्मा मैं सपने देखते देखते सोचते सोचते जा रही थी कि आज जो पैसे मिलेंगे उससे क्या खरीदूंगी और मैं डांस करने लग गई और सारा दूध गिर गया, सॉरी मम्मा। उसकी मम्मा कहने लगी कि जब तक पैसे हाथ में नहीं आते उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। कैसी लगी ये कहानी? अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। बाय बाय।